दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जो कुछ भी इन दिनों राजनीतिक उठापटक में हो रहा है, उसमें एक बड़ी बात ये भी दिखाई दे रही है कि आखिरकार कितने दिन मोदी सरकार चलेगी। नायडू की बात करें, नीतीश की बात करें, बिहार में भी काफी कुछ उठापटक हो रही है। चर्चाएं हो रही हैं कि बिहार कहीं केंद्र ना बदल दे, तमाम तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन नीतीश और नायडू आखिरकार मोदी के साथ लगातार जो बने हुए हैं, उसके पीछे ऐसी क्या वजह है कि कोई बड़ी शर्त जो खुलकर उन्होंने सामने रखी वो पूरी नहीं हुई, उसके बावजूद भी लगातार मोदी सरकार के साथ वो बने हुए हैं। और जैसे ही उनका समर्थन हटता है, सरकार गिर जाती है, मोदी का पूरा दम खत्म हो जाता है। ऐसी तस्वीरें क्या बन सकती हैं? आइए बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से और उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल ये कि सर, नीतीश और नायडू आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो दोनों अभी तक मोदी के साथ बने हुए हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने जो शर्त रखी थी, जैसे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना, ये सब कुछ मोदी सरकार ने इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं किए। और वहीं पर अगर नायडू की भी बात करें, तो नायडू तो आए साथ, इसमें को लेकर के लोगों ने सवाल भी उठाने शुरू कर दिए थे, और ये दोनों ही कभी भी झटका दे सकते हैं, कितनी मुमकिन है ये बात सर? विनीता, दोनों की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार भी अनप्रडिक्टेबल हैं, बिल्कुल भी। उन्होंने जब जब फैसले लिए हैं, अचानक लिए हैं। और आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का वो भाषण, जब वो बिहार में बोल रहे थे, कह रहे थे कि 50,000 दे दूं, 60,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, 1,00,000 करोड़ दे दूं कि 1,25,00,000 करोड़ दे दूं, इस तरह के सवाल नरेंद्र मोदी ने उठाए थे। और उसके बाद बिहार के हिस्से में झुंझुना आया था। फिर जो भी परिस्थितियां बनी, इस बार की सरकार को नीतीश कुमार ने फिर समर्थन दे दिया, जबकि नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए हैं। बिहार को बागी माना जाता है और ये माना जाता है कि बिहार देश की राजनीति को तय करता है। ऐसी स्थिति में, जबकि पूरा देश परेशान है इस सरकार से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों की राजनीति के जो तौर तरीके हैं, इनका जो एक आपराधिक पॉलिटिकल क्राइम जिसको कहा जाए, राजनीतिक आपराधिक एक जो चरित्र है लोगों का, कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से कुछ चीज़ों को कर लेने का, जिस तरह से पूंजीपतियों के हाथों में सब चीज़ें चली चलती चली जा रही हैं। अभी कल मैं पढ़ रहा था कि सिर्फ 16 की 18 लोग अरबपति खरबपति थे गुजरात के, उनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई है और सब वहीं से भागे हुए। वहां पर कोई नकली जज निकल रहा है, कोई नकली IAS अधिकारी निकल रहा है, जितने भी कर्म इस तरह के हो रहे हैं सब गुजरात में हो रहे हैं। सारे पुल बह जा रहे हैं, सड़कें बह जा रही हैं और सारे भागे हुए लोग भी, मुझे लगता है इक्का दुक्का को छोड़ के सारे पैसे लेकर भागे हुए लोग भी गुजरात के ही हैं। उन परिस्थितियों में इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते रहना नीतीश कुमार के स्वभाव तो नहीं होना चाहिए। हम लोग सब आश्चर्यचकित हैं कि वो आखिर कैसे इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, क्या कोई उनकी कमजोर ना सुनकी भी है जो दबी हुई है, या फिर वो मौके का इंतजार कर रहे हैं, या फिर लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से वो कुछ ज़्यादा त्रस्त हो गए थे। जबकि मुझे वो ध्यान है कि जब विधानसभा में कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था और उसमें लालू जी के बेटे जो मुख्यमंत्री है तेजस्वी, वो भाषण दे रहे थे, उस भाषण में तेजस्वी ने लगातार ये कहा कि चाचा आप हमसे कह देते हम सरकार से बाहर हो जाते, हम बाहर से समर्थन देते रहते आपको, हमने आपको कोई दबाव नहीं डाला, आप कोई सवाल उठता मुझे बुला लेते, मुझसे बता देते कोई दिक्कत अगर हो रही थी आपको तो, और मैं तो हर तरह आपके साथ हूँ, मैं आपसे दूर नहीं हूँ। तो जो नीतीश कुमार के सामने बैठ करके तेजस्वी ने भाषण दिया, एक तरह से नीतीश को उसने नंगा शब्द कहना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन उनकी पोल खोल दी कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि उनको कोई नाराजगी रही हो लालू प्रसाद यादव की पार्टी से या तेजस्वी से या उसके साथ के मंत्रियों से, क्योंकि अगर कुछ ऐसा रहता तो नीतीश विधानसभा के फ्लोर पर खड़े होकर के उसका जवाब देते, लेकिन नीतीश ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और तेजस्वी ने बड़े ही विनम्र तरीके से बड़ा धारदार भाषण दिया था और उस दिन नीतीश कुमार भी ऐसा लगता था कुछ शर्माए हुए। इस बीच कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी है जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के उप मुख्यमंत्री को मीटिंग से बाहर कर दिया, कई बार ये लगा कि वो नाराज हो रहे हैं। उनके साथ छल हुआ है, उन्होंने बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग किया था, उन्होंने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग किया था, लेकिन दोनों ही मांगे पूरी नहीं हुई। छोटे मोटे झुंझुने थमा दिए गए हैं, कुछ ट्रेन वगैरह चालू करके और छोटा मोटा पैसा देके उनको एक तरह झुंझुना थमाया गया है। वही स्थिति चंद्रबाबू नायडू की है। चंद्रबाबू नायडू इसी सरकार के द्वारा जो भी स्थितियां बनी थी और कुछ दिन तक जेल में रहे थे, और जेल में जिन मुद्दों को लेकर के रहे थे, अभी हाल में
ईडी ने उसमें उनको क्लीन चिट दे दी है कि वो उसमें शामिल नहीं है और उनको क्लियर कर दिया। वो मजबूरी उनकी रही होगी कि उनको क्लीन चिट लेना हो और वॉशिंग मशीन में धुल करके उनको क्लीन चिट मिल सकती थी, वरना फिर जेल जाने की नौबत आ सकती थी। वो परिस्थितियाँ रही होंगी, लेकिन अब तो वो परिस्थितियाँ नहीं है। कोई भी नेता जो देश का नेतृत्व करता है या प्रदेश का नेतृत्व करता है, किसी विचारधारा का नेतृत्व करता है, उसकी निगाह में मुझे लगता है सबसे पहले मानवता होनी चाहिए और उसके बाद देश होना चाहिए। देश के बाद तब पार्टी और प्रदेश का नंबर आता है। लेकिन अगर वो इतने बड़े स्तर पर नहीं सोचता तो फिर वो लीडर के कहलाने के काबिल नहीं है। अभी ये दोनों लोग मुझे बड़े ऐसा लगता है कि आधे आधे पर खड़े हैं, आधी यह सरकार के साथ है और आधा यह सरकार के खिलाफ है। नायडू के साथ एक स्थिति जरूर हो सकती है कि कांग्रेस के साथ वो कंफर्टेबल फील करें कि न करें, और कांग्रेस के साथ अगर जाएं तो उनकी स्थिति क्या रहेगी, उनकी क्या पोजीशन रहेगी, उनका क्या वहाँ स्थान रहेगा, कांग्रेस उनको किस तरह से ताकत देगी या उनका महत्व बढ़ाएगी, ये सारे सवाल उनके सामने हो सकते हैं। नीतीश कुमार के सामने तो ये सवाल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का तो निर्माण ही नीतीश कुमार ने किया था। आगे बढ़ करके उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने मीटिंगें बुलाई थी और उन्हीं के बुलावे पर इंडिया गठबंधन बनना शुरू हुआ था। बाद में फिर इसको जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, बाद में उन्होंने इसको लीड करना शुरू कर दिया, जो नीतीश बाहर हो गए। लेकिन ये बेसिकली क्रिएशन तो नीतीश कुमार का। लेकिन मेहनता जी, मुझे जो थोड़ा राजनीतिक मेरा अनुभव है और जिंदगी का अनुभव है, ऐसा लगता है ये परिस्थितियां बहुत दिन तक नहीं रहेंगी, क्योंकि देश में जो बेचैनी है, लोगों में जो बेचैनी है, चुनाव के चुनाव आयोग को लेकर के, संस्थाओं के दुरुपयोग को लेकर के, हर चीज पर कब्जे को लेकर के, आरएसएस की भावी रणनीति को लेकर के, आरएसएस जिस तरह से देश पर एक आगे चल के कब्जा करने की अपनी रणनीति बना रहा है और वो आरएसएस का राज कायम करना चाहता है पूरे देश में, उन सारी चीजों को लेकर के अगर हमारे जैसे लोग चौकन्ने हैं और बेचैन हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू या अन्य लोग भी तो ये जानते ही होंगे, उनके निगाह भी इन चीजों पर होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन कोई ऐसा हो सकता है अचानक, क्योंकि सरकारें जब गिरती है तो अचानक, और कोई भी दिन ऐसा हो सकता है कि अचानक चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार या कुछ अन्य लोग भी हो, वो अचानक फैसला कर लें कि हम इस सरकार के साथ नहीं है और वो सरकार कुछ घंटे के अंदर धराशायी हो जाए। ऐसा इस देश को देखने को कभी भी मिल सकता है। तो मतलब सर, आप ये कह रहे हैं कि ये कभी भी हो सकता है, मतलब कभी भी किसी भी दिन अचानक से सरकार गिर सकती है, ऐसा आप कह रहे हैं? जी विनीता, जी विनीता, मैं यही कह रहा हूँ। नायडू नायडू और नीतीश दोनों, इसलिए कि विनीता मैं एक मिनट रुक, देखिए इसलिए कि कोई सरकार क्यों चलनी चाहिए? कोई सरकार इसलिए चलनी चाहिए कि सरकार देश में बहुत तरक्की कर रही हो, देश की आर्थिक स्थितियों को बहुत अच्छा बना रही हो, देश की सीमाओं की सुरक्षाओं को बहुत मजबूत रख रही हो, देश के सामाजिक ताने बाने, सामाजिक ढांचे को मजबूत कर रही हो, देश में रोजगार का क्रिएशन इतना कर रही हो कि उसका फायदा प्रदेश और जिले लेवल के हर सभी लोगों को मिल रहा हो, कोई सरकार देश को मजबूत कर रही हो, तो किसी भी जो सरकार की, मेरा सवाल ये था सर कि नीतीश और नायडू दोनों ही अच्छे मंझे हुए नेता है, राजनीति के गुर जानते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि उनकी बातें भी पूरी नहीं हो रही है और उसके बावजूद भी वो इस वक्त समर्थन दे रहे हैं? मतलब कि बीजेपी में खुद इंटरनली कई बड़े नेता मोदी के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाहरी ये दो नेता, जो मतलब एक तरह से देखा जाए जब तक नंबर गेम नहीं आया था तो 3-13 वाली परिस्थिति थी कि कुछ भरोसा नहीं था नीतीश के लिए भी, लोग यही तक आंकलन लगा रहे थे कि कुछ नहीं पता, क्या पता चुनाव के परिणाम आने के बाद ये इंडिया गठबंधन के साथ ही हो जाए। और खुद तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से कई बार कोशिशें भी करी हैं, एक प्लेन में सफर करते दिखे, कभी मुलाकात के दौरान दिखे, अलग अलग वक्त पर। लेकिन नीतीश और नायडू की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो लगातार मोदी के साथ इसमें खड़े हुए हैं? चंद्रबाबू नायडू के साथ तो बल्कि उनके पास तो रिवेंज तक का अच्छा खासा मौका रहा, उसके बावजूद भी इसको लेकर के पूरे देश में ही मुझे लगता है सवाल है। जो राजनीतिक शास्त्री हैं, जो राजनीति को सोचते समझते हैं, राजनीति के बारे में विचार रखते हैं, उस पर निगाह रखते हैं, ये सवाल दोनों सभी के मन में है और सारे लोग, मेरे मन में भी है कि आखिर इन लोगों की क्या मजबूरी है कि उस सरकार को ढो रहे हैं जो सरकार देश के लिए बहुत बुरी साबित हो रही है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, महंगाई 40-45 साल की सबसे बड़ी महंगाई है, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, चीन ने हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी घेर लिया है, अब वो चीन ने भी झुंझुना थमा दिया है, इनके कुछ स्वार्थ होंगे, उसकी भी कहानियां सामने निकल कर आ जाएंगी कि आखिर क्या कारण है जो अभी बातचीत हुई है। वैसे उसमें रशिया का रोल है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चीन से भारत लड़ ले और रशिया चाहता है कि भारत और चीन की लड़ाई ना हो,
बल्कि जो ये खेमा है ये मजबूत रहे। कल को चीन अगर आग दिखाए तो भारत एक बैलेंसिंग फोर्स के रूप में काम करे, उसके रूप में रूस भारत को इस्तेमाल करना चाहता है तो रूस ये जरूर चाहता है कि चीन और भारत आपस में आमने सामने टकराव की स्थिति में ना आने पाए। तो रूस के प्रेशर में हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन चीन का अपना एक तरीका है, वो बिना लड़े कब्जा करता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है, और वो चार कदम आगे जाने के बाद फिर एक कदम छोड़ देता है, बोले देखिए हम तो पीछे हट गए। इसी तरह के कोई हालात जो लद्दाख में बात हो रही है कि लद्दाख से कुछ वो पीछे हटने की बात हो रही है, तो वो इसी तरह की बात हो रही है। इन परिस्थितियों में जब देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित नहीं है, देश में रोजगार है नहीं, एमएसएमई के रोजगार सब घटते चले जा रहे हैं, देश बर्बादी की कगार पर है, देश की सारी संस्थाएं बहुत बुरी हालत में है, देश में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को लेकर अविश्वास पैदा हो गया है, तो इस तरह के तमाम जो हालात हैं देश, मुझे लगता है कि किसी भी सरकार में, चाहे वो थोड़े थोड़े दिन की सरकार क्यों ना रही हो, यहाँ तक कि बीजेपी की 13 दिन या 13 महीने की सरकार क्यों ना रही हो, कभी देश इतना बेचैन नहीं था, देश के लोग और देश के चिंतनशील लोग इतने बेचैन नहीं थे जितने बेचैन और जितने असुरक्षित तब है। और जितना आक्रामक तरीके से आरएसएस लगातार अपने हाथ पैर फैला रहा और अपने पंजे फैला रहा है, और वो इस चक्कर में है कि एक दिन ऐसा आए कि उसका कब्जा हो जाए और वो शासन करने लगे और उसके शासन में ये देश चलने लगे और दूसरा कोई दल ना हो, कोई नेता ना हो, बाकी लोग या तो जेल में होंगे या सरेंडर करके हाउस अरेस्ट में होंगे। ये आरएसएस की अपनी प्लानिंग है, यही वो चाहता है, इसी के लिए वो काम कर रहा है। ये सारी चीजें होने के बावजूद ये लोग आखिर कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? और सिर्फ सवाल इन लोगों का नहीं, मेरी था 100 से ज्यादा एमपी ऐसे जो आरएसएस और बीजेपी के नहीं है, बीजेपी में 100 से अधिक एमपी है जो पुराने कांग्रेसी है, अन्य दलों के हैं, वो बीजेपी के नहीं, आरएसएस के नहीं है वो, और अपमानित हालत में वो बीजेपी के अंदर पड़े हुए हैं। जिन लोगों के बड़े नाम हुआ करते थे जब वो कांग्रेस में या दूसरे दलों में हुआ करते थे, वो बीजेपी में जाने के बाद वो कहाँ खो गए पता नहीं चलता है। वो लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, अपमान क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने कहा कि एक दिन अचानक ये गुब्बारा फूट सकता है, क्योंकि कभी भी बहुत चीजें बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं की जाती। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अचानक रात को 12 बजे आप उठते थे, तब टीवी हुआ नहीं करता था, जब सुबह आप जगते थे तो पता लगा रात के 12 बजे मुख्यमंत्री बदल दिया गया, मुंडू राव बदले गए, कभी कोई बदला गया, कोई बदला गया, और इसी को सवाल बना दिया था एनटी रामाराव ने। एनटी रामाराव जबकि सिर्फ एक फिल्म के अभिनेता थे, लेकिन उन्होंने इसी को सवाल बना दिया, और आंध्र प्रदेश की अस्मिता के सवाल पर उन्होंने एक अलग जगा दिया उन्होंने। अब परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह हार गई और एनटी रामाराव भारी वोटों से जीत करके वहां के मुख्यमंत्री बन गए। तो होता क्या है कि वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, जब कोई भी आदमी ये करने की कोशिश करेगा कि वो जो चाहेगा वही होगा, वो जैसे चाहेगा व्यवस्थाओं को, सिस्टम को, लोकतंत्र को रौंदेगा, वो लोकतंत्र को बर्बाद करेगा, तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम वही होंगे जो कभी आंध्र प्रदेश में हुआ और कभी दूसरे प्रदेशों में होता रहा है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसे दलों के नीचे की रीढ़ टूटती जाती है, नीचे के जो मजबूत लोग होते हैं वो कमजोर होते जाते हैं। जब आप एक हाथ में 10 बॉल लेकर के फेंकने वाला जो गेम आप खेलते रहते हैं, जो जादूगर दिखाता है उस तरह का गेम खेलते रहते हैं, तो होता है कि कोई भी नहीं बचता और सब लोग कमजोर हो जाते हैं। और जब आपके सारे हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप कमजोर होते हैं और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो लगातार इस प्रदेश देश के साथ किया है, जिस तरह से अचानक वसुंधरा राजे जैसी इतनी सीनियर लीडर को जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया उसको हटा करके बिल्कुल कल के एक नए लड़के को मुख्यमंत्री बना दिया जो अभी तक स्थापित नहीं हो पाया मुख्यमंत्री ग्रुप में, वही शिवराज सिंह चौहान क्या हुआ, उनको हटा करके एक नए आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसको अभी भी कोई आदमी, मुझे नाम याद नहीं कि मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, मुझे दोनों के नाम अभी आज तारीख में याद नहीं, दोनों अपने को स्थापित नहीं कर पाए हैं। यही स्थिति छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की भी है। तो इस तरह से जब कोई करता है तो वो सिर्फ अपने नेताओं को कमजोर नहीं करता बल्कि अपनी पार्टी को, अपने हाथ पैर को कमजोर करता है। हमारे हाथ पैर कमजोर हो जाए तो हम पूर्ण पुरुष नहीं कहलाते, पूर्ण मनुष्य नहीं कहलाते, पुरुष नहीं बल्कि पूर्ण मनुष्य नहीं होते हैं, हम अपाहिज होते हैं। वही स्थिति दलों के साथ होती है। तो ये विनीता हालात यही है और ये बातें सब तक पहुंच रही सबकी जानकारी में, इसीलिए मैंने एक लाइन में एक बात कही कि किसी दिन अचानक हम रात को उठेंगे सोते हुए, चूंकि अब तो टीवी है, रात को देर तक आदमी देख करके सो के उठता है, तुरंत जानकारी मिल जाती है, नहीं तो वही हालत हो सकती है कि अचानक मालूम पड़े कि सरकार गिर गई और ये सारे लोग एक खेमे में जाके खड़े हो गए, और इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस दिन से सरकार का ये गठबंधन हुआ है अभी तक कोई ऐसा झटका या ऐसी परिस्थिति नहीं आई है, लेकिन इन संभावनाओं से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी भी अचानक नहीं। अभी आप देखो ना, वक्फ बोर्ड का सवाल है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार को पीछे हटना पड़ रहा है, कई ऐसे मुद्दे जो कमेटी में चली गई और कमेटी में जो ये समर्थन देने वाले दल है उन्हीं के लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो आपको दिख तो रहा है
कि जो मुद्दे अब ये लोग मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, और वहां पर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू क्या मुसलमानों को तमाम सहूलियत दी जा रही है, उनके लोगों को, उनके स्कूलों को, उनके मस्जिदों को तमाम तरह की सहूलियत दी जा रही है। तो बहुत तरह के कन्फ्लिक्ट इनके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत सारे सवालों पर नीतीश कुमार भी मुखर होकर के अपनी बात कह देते हैं, किसानों के सवाल पर, डीएपी के सवाल पर, खाद के सवाल पर, बहुत सारे सवालों पर तो कन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं। ये अलग बात है कि वो गुलाम लोग जो कांग्रेस से या दूसरे दलों से जाके एमपी बने उनका वो कन्फ्लिक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा, वो ना औरतों के सवाल पर ना पिछड़ों के सवाल पर वो अभी वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। लेकिन कब तक मुंह नहीं खोलेंगे? मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अनुभव कहता है, एक दिन अचानक ये सरकार धराशायी हो जाएगी। मतलब पॉलिटिकल संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो बात का जिक्र आज आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।